तो दोस्तों आपका फिर से और एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल या फिर मैं कहूँ आपका चैनल किताब ई कीड़ा, जिस चैनल पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ नोट्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है एक स्टूडेंट के लाइफ पे। तो दोस्तों आपने अक्सर ऐसा कहते हुए सुना होगा कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं होते, या फिर अभी आप खुद से पूछ कर देख सकते हो कि आप पढ़ने में तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपके मार्क्स वैसे नहीं आ रहे जैसे आना चाहिए था। चलिए आज इन्हीं चीजों पर बात करते हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी शायद ऐसा होता होगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते होंगे। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है नोट्स, यानी कि आपके पास आपका खुद का लिखा हुआ मटेरियल नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है और इसी मटेरियल को हम कहते हैं नोट्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहे जितनी भी अच्छे से पढ़ लो, जितनी भी अच्छे से चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझ लो, लेकिन अगर आपके पास आपके खुद के लिखे हुए नोट्स ना हो तो वैसे पढ़ के आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देता हूँ। जब मैं क्लास 11 पे था तो क्लास 11 केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। उस चैप्टर को जब मैंने शुरुआती तौर से पढ़ा था तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था और मैं अच्छे से उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहा था, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती ये हुई दोस्तों कि मैं उस चैप्टर्स के नोट बनाना भूल गया था, जिससे कि हुआ ये कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैं सब कुछ भूल चुका था और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं उस चीज़ को फिर से दोबारा पढ़ के उसको समझ सकूँ। तो इसका एक बहुत ही गहरा इफेक्ट मेरे को दिखा मेरे मार्क्स में, मेरे मार्क्स उतने सही नहीं आए और मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ नोट्स बनाने के सही प्रोसेस। तो नोट्स बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कोशिश करिए कि उनको आप फ्लो चार्ट के तौर पर या फिर डायग्रामेटिक तौर पर लिखो। नंबर टू, ऐसे न्यूमेरिकल्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसको देखकर आपको ऐसा लगे, जिसको सॉल्व करके आपको ऐसा लगे कि ये सारे क्वेश्चंस ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं या फिर ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पे आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप अपने नोट पे इंक्लूड किया करो। और उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल की पॉइंट्स हैं उसको भी आप लिखा करो। तो इन तीन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका नोट्स सही तरीके से बनेगा। मैं अभी आपको मेरा एक नोट दिखाने वाला हूँ। ये मैंने एक किताब है, बैनवेल की किताब, जो स्पेक्ट्रोस्कोप फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पॉपुलर किताब है, तो उसमें से मैंने एक नोट बना के रखा है। मैं आपको उसी चीज़ को रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ और आने वाले दिन में मैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये किताब बैनवेल इसको भी आपके सामने रिव्यू करके लाऊंगा। आपको थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना है। तो आप देख सकते हो ये है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। आप देख सकते हो कि बैनवेल एक किताब है जहां से पढ़ के ये पूरा नोट बनाया गया है, और इस नोट को अगर आप ध्यान से फॉलो करो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजों को बहुत ही कम लिखा गया है, मैक्सिमम डायग्रामेटिक तौर पे ही चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और अगर इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो चीजें जो है बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगी और ये बहुत ही फायदेमंद नोट साबित होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको नोट्स बनाने का जो प्रोसेस मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट, और प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद कर पाऊँ। दोस्तों थैंक यू।